स्टूडेंट्स माइशल काशिश में दैट प्रेजेंट टुडे रेड स्टैंडर्ड 3 एसएसटी। हां देखो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड जो था चैप्टर 6 में था मोर सब ट्रांसपोर्ट था नहीं ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़े थे देन आल्सो वी रेड द मेन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं देन वो था 3 टाइप्स था लैंड ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट देन एयर ट्रांसपोर्ट देन आज फर्स्ट वन पढ़ेंगे देखो लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में जैसे कि लोग जो लैंड में जब मूव करते हैं उसको बोलते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस किसके द्वारा जा पाएंगे कि लैंड में जा पाएंगे तभी हम उसको कह सकते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट है कि नहीं। तो देखो लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। जो क्या है कि जो व्हीकल्स किस में जाती है कि लैंड में जाती है कि नहीं। जो देखो ये वाला फर्स्ट वन लैंड ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। उसको हम क्या कह सकते हैं कि लैंड ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं कि नहीं। जो व्हीकल्स किस में मूव करता है कि लैंड में मूव करता है नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो आप तो दिखे होंगे लैंड में कौन सा व्हीकल्स मूव करता है जानते हो कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बसेस ट्रक्स कार्स स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स एंड ऑटो रिक्शा आर द मेन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ये सारे के सारे क्या है कि एग्जांपल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। हाँ देन मेटल रोड्स हैव बीन मेड थ्रू आउट द कंट्री द बिग रोड बिटवीन टाउन एंड सिटीज आर कॉल्ड हाईवेज। देन देखो मेटल रोड क्या है कि मतलब कंट्री में ज्यादा प्लेस में क्या होते हैं कि मेटल रोड बनी है कि नहीं। तो देखो हमारे जो क्या है कि बिग रोड्स किसके बीच में गया है कि जो टाउन और सिटी के बीच में है कि नहीं। हम उसको क्या कह सकते हैं कि हाईवेज कह सकते हैं हाईवेज है कि नहीं। देन विलेजेस हाउएवर हैव कच्चा रोड ट्रैक्टर बुलर कार्ट एंड साइकिल आर कॉमनली यूज इन विलेजेस। टुडे ट्रेन्स आर द बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज दे यूज टू कैरी मोर पैसेंजर एंड हैवी गुड्स। देन देखो अभी तो विलेजेस में ज्यादा लेकिन क्या होती है कि कच्चा रोड होती है ठीक है नहीं। देन मेटल रोड बहुत कम मिलती है दिखने के लिए नहीं। तो उधर ज्यादा दिखने के लिए क्या मिलता है कि कच्चा रोड। तो इसीलिए वो क्या है कि उधर मूव क्या करती है कौन से टाइप ऑफ व्हीकल्स जैसे कि ट्रैक्टर बुलर कट ये साइकिल नहीं बाइक्स ये वगैरह जाती है। देन अभी के टाइम में क्या है कि ट्रेन बहुत बेटर हो गया है क्योंकि उसमें से ज्यादा वो पीपल को कैरी करके ले पा रही है देन ऑल्सो गुड्स को भी हेवी गुड्स को ठीक है। इसीलिए ए ट्रेन हैज एन इंजन एंड मेनी कोचेस फॉर कैरिंग पैसेंजर एंड वैगन्स फॉर कैरी गुड्स। देन देखो इंजन उसमें क्या होती है कि लोड करने के लिए कैरी करने के लिए पैसेंजर को उसमें होते हैं वैगन्स मतलब पैसेंजर को वो क्या करने के लिए कि लोअर मतलब उसके बैठने के लिए होती है। तो आराम से बहुत लोग एट ए टाइम भी जा सकते हैं देन बहुत सारे और जो क्या है कि कैरी करके गुड्स भी ले सकते हैं एट ए टाइम ठीक है। इसीलिए ज्यादा क्या है कि उसमें ट्रैवलिंग बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग एक साथ जा पा रहे लेकिन बसेस में बहुत कम जाते हैं ठीक है। तो देन तो इट रन्स ऑन लॉन्ग मेटल पीसेस कॉल्ड रेल्स। वो क्या होते हैं कि वो एक बड़ा सा क्या हो गया उसमें स्पेशल क्या बनाया जाता है एक रोड बनाया जाता है नहीं उसको बोलते हैं रेल्स बोलते हैं नहीं। वो वाला ये रोड में जा सकते हैं कि नहीं उसके लिए एक लोहे वाला के एक मेटल वाला के उनके एक रोड बनाया जाता है उसको क्या कह सकते हैं कि रेल्स कह सकते हैं। Then in some big cities like Delhi and Kolkata, there are big networks of underground trains called the metro. Then big city में like Delhi and Kolkata, उसमें क्या हुई है कि उसमें जो underground में भी train है कि नहीं। हमारे तो ये ground के ऊपर चलती है then लेकिन Delhi में Kolkata में क्या होती है कि underground में train होती है वो क्या कहते हैं ये उसको metro train कहते हैं है कि नहीं। तो सुने होंगे भी आप कभी कभी नहीं कि Then earlier coal was used as fuel in engines, but now electricity and diesel are being used as fuel. Then early के time में क्या है कि fuel जैसे use करते थे coal को है कि नहीं engine में लेकिन अभी वो किस में चल रहा है कि electricity में चल रहा है और diesel में चल रहा है कि नहीं।
देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या है कि हमारे गया फर्स्ट वन में गया लैंड ट्रांसपोर्ट कंप्लीटेड हो गया है कि नहीं। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि व्हीकल्स दैट सेल ऑन वाटर आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। देन सेकेंड वन इज फर्स्ट वन लैंड ट्रांसपोर्ट, देन सेकेंड वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसे कि ये वाला व्हीकल्स, ये जैसे जो क्या है कि लैंड में जो मूव करते हैं उसको बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। जो वाटर में सर्च कर रहे होंगे तैरते होंगे उसको बोलेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, है कि नहीं। जैसे कि व्हीकल्स दैट सेल ऑन वाटर आर द मेन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो व्हीकल्स दैट सेल ऑन वाटर आर द मेन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल बताओ तो देखिए कौन सा हो सकती है, कौन वाटर में सेल करती है, जानते हो कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होगा सिप्स, बोट्स एंड स्टीमर्स, ये सारे के सारे वाटर में क्या होती है कि मूव करते हैं, मतलब जैसे कि रिवर्स में और ओशन में, है कि नहीं। देन द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर यूज एज इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। देन रिवर गंगा को यूज करते हैं वाटरवेज में, है कि नहीं, उसमें ही मूव कराया जाता है ज्यादा सेफ से उसमें दिखने के लिए मिलेगा, है। देन सीप्स सेलिंग इन ओशन आर यूज फॉर कैरिंग ऑयल एंड गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया। देन सीप को क्या कहते हैं कि सेलिंग होता है ओशन में, क्योंकि उसमें से कैरी किया जाता है ऑयल और उसके साथ साथ ऑल्सो गुड, है कि नहीं। देन बाहर कंट्री से हमारे इंडिया को आने के लिए इसके द्वारा सीप के द्वारा आ सकती है, है कि नहीं। देन सीप्स कैरिंग ऑयल आर कॉल्ड टैंकर्स। सीप में जो क्या होती है कि जिसमें ऑयल कैरी करके लाते हैं उसको कह सकते हैं टैंकर्स, है कि नहीं। देन ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर सीप इज नोन एज ए पोर्ट और हार्बर। देन देखो जिधर जो प्लेस में क्या होती है कि उसमें जो रहती है, देखो दिखे होंगे आप जो सीप के दिखे होंगे, पोर्ट का मतलब क्या है कि पोर्ट का मतलब है जिधर वो सीप आके रुकता है उधर लोड होती है अनलोड होती है कि नहीं, हम उसको कह सकते हैं पोर्ट, हाँ। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे नंबर थ्री में था लैंड ट्रांसपोर्ट गया वन में, नंबर टू वाटर ट्रांसपोर्ट, ने नंबर थ्री में आएगा क्या एयर ट्रांसपोर्ट। ने जो क्या है कि एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, देखो सोचो तो क्या हो सकती है, जो एयर में मूव्स करते हैं उसको हम कह सकते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, है कि नहीं। जैसे कि देखेंगे नंबर थ्री में एयर ट्रांसपोर्ट, जैसे ये हो सकती है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स एंड ग्लाइडर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रैवल। देखो हम क्या करते हैं कि इनके द्वारा हम एयर में क्या करते हैं, किस कर सकते हैं कि वन प्लेस से अनदर प्लेस को जा सकते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से, देन ग्लाइडर से, उसकी वजह से, है कि नहीं। देन बिसाइड पैसेंजर्स गुड्स आर आल्सो कैरिड बाय द एयर ट्रांसपोर्ट। देन देखो पैसेंजर जा सकते हैं, गुड्स भी आ पा रही है कि नहीं। देन देखो इट इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे बहुत फास्ट है, बहुत क्विक, है कि नहीं। सबसे क्विकेस्ट मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट से वाटर ट्रांसपोर्ट से क्विकेस्ट कौन सा है, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट, बहुत जल्दी में कम टाइम में वो जाके सही जगह पर पहुंच जाती है, नहीं सबसे, ट्रेन से भी, बस से भी, कार से भी, सबसे। देन तो इट ऑल्सो कैरी लेटर्स एंड पार्सल्स, देखो वो तो पैसेंजर को लेते हैं, गुड्स को लेते हैं, ऑल्सो कैरी लेटर्स एंड पार्सल, पार्सल और लेटर्स को भी वो क्या करते हैं कि कैरी करके लेते हैं। देन हेलीकॉप्टर्स कैन कैरी फ्यू पीपल, हेलीकॉप्टर्स में बहुत कम लोग बैठते हैं, है कि नहीं। देन दे आर मोस्टली यूज इन ट्रेल्स एंड हिली एरियाज, वो ज्यादा क्या है कि जहाँ पे हिली एरियाज है वहां पे ज्यादा वो यूज होते हैं हेलीकॉप्टर्स, हाँ।
ड्यूरिंग डिजास्टर्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज आर वेरी यूजफुल। जब क्या होती है कि विपत्ति आती है, डिजास्टर जब होती है तो हेलीकॉप्टर में बहुत यूजफुल उस टाइम में है कि नहीं। मतलब खाना वगैरह ऊपर से देते हैं, है कि नहीं, लोगों को उठाने में बहुत मदद करते हैं, पानी के अंदर जो रह जाते हैं नहीं, तो ऐसे बहुत उनके जो सर्विस है बहुत यूजफुल है उस टाइम में, डिजास्टर के टाइम में। हम एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड इन ए प्लेस कॉल्ड एयरपोर्ट। जहाँ पे एरोप्लेन्स क्या होती है, मतलब जाते हैं ऊपर, फिर आके क्या करते हैं, लैंड करते हैं कि नहीं, तो उस प्लेस को कहते हैं, क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट कहते हैं। आप तो जानते हो कि एयरपोर्ट नहीं। देन इन इंडिया वी हैव एयरपोर्ट इन ऑल द मेजर सिटीज एंड टाउन्स। देखो इंडिया में भी बड़े बड़े सिटीज में और क्या है कि टाउन्स में, हाँ, तो क्या है कि एयरपोर्ट है नहीं। देन देखो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एनिमल्स आर यूज्ड एज मेन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन हिली एरियाज वेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और लेइंग ऑफ रेल लाइंस इज डिफिकल्ट, एनिमल्स लाइक मोर्स एंड हॉर्सेस आर यूज्ड। देन देखो इंडिया के ज्यादा पार्ट में भी एनिमल्स को भी ट्रांसपोर्ट के रूप में क्या कि यूज कर रहे है कि नहीं, क्योंकि जो हिली एरिया में उसमें रोड बनाना आसान नहीं होगा, रेल लाइंस बनाना भी आसान नहीं होगा है कि नहीं, तो इसीलिए वो डिफरेंट एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के रूप में वो यूज कर रहे है कि नहीं। देन कैमल्स आर यूज इन डेजर्ट वेयर एज एलिफेंट्स आर यूज इन थिक जंगल टू कैरी बिग लॉग्स ऑफ वुड। देन देखो कैमल को यूज करते हैं डेजर्ट में, देन एलिफेंट को यूज करते हैं जो डीप जंगल, थिक जंगल में, ताकि उसमें क्या है कि जो लॉग वाला बिग बिग रॉक को वो क्या कर सकती है कि कैरी करके ला सकती है। कैमल्स आर नोन एज द शेप ऑफ द डेजर्ट। और भी कैमल को क्या कहा जाता है कि शेप ऑफ द डेजर्ट नहीं। देन कैमल्स आर नोन एज दी शेप ऑफ द डेजर्ट। तो देखो ये हमारे कंप्लीटेड हो गया। तो देखना आप अच्छे से पढ़ना मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि नहीं। ट्रांसपोर्ट के द्वारा बहुत हमें प्रॉफिट बेनिफिशियल हो रही है नहीं, वो सब कुछ हुई के वजह से, जब इन्वेंशन हुआ हुए तभी जाके ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया नहीं, नहीं तो इतने सारे भी व्हीकल्स नहीं निकल पाता, हम इतना इजी में हम इतने दूर दूर तक भी जा नहीं पाते ना। तो ठीक है, आप केयरफुल उसको थोड़ा पढ़ लेना है कि नहीं।